स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप सनातन धर्म संस्कृति को ऐसे गाली नहीं दे सकते। मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू जनमानस हैं और साथ रहेंगे। ये 100 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है, ये कोई राजू दास की लड़ाई नहीं है। राजू दास सांसद और विधायक का टिकट मांगने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं लड़े हैं। राजू दास जिसने रामचरितमानस को अपमानित किया है, जिसने साधु संतों को गाली दिया है, जिसने कहा है कि रामचरितमानस बार बार जलाई जाएंगे, उस चीज का विरोध है मेरा। इसके नाते स्वामी मौर्य जी आप कान खोलकर सुन लो, ये 100 करोड़ हिंदू की बात है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओगे, यह भारतवासी, ये हिंदुस्तानी, ये सनातन प्रेमी आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से आपने मेरे ऊपर हमला किया है, ये दुखद है। आप एक तरफ तो कहते हो संविधान को हम मानते हैं, दूसरे तरफ आपने हमला किया मेरे ऊपर, जान से मारने की कोशिश की आपने, ये दुखद है, ये निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, क्या बार बार ऐसे ही सनातन का मजाक बनता रहेगा? क्या बार बार ऐसे ही लोग मंच से ऐसे बोलते रहेंगे? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जेल में क्यों नहीं गया? जो जहर उगल रहा है, जो समाज को बांटने की साजिश कर रहा है, वो बाहर ऐसे ही जहर उगलते रहेगा? इसके ऊपर अभी तक प्रतिबंध, अभी तक बैन क्यों नहीं? अभी तक ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं? ये आग लगाने की बात करता है, ये समाज को एक दिन बांटने का साजिश जो कर रहा है, ये सफल नहीं होगा।